बिना प्याज लहसुन किए काला चना मसाला इतना ज्यादा डिलीशियस बनता है ना, कोई ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ज्यादा मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि देसाई, खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुपर डिलीशियस काला चना मसाला रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले काले चने को हमें अच्छे से भिगो के लेना है। यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी काले चने को पानी में भिगो दिया था। काला चना बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। चना को डाल दिया मैंने कुकर में, साथ ही ऐड करेंगे 1 ग्लास के करीब पानी एंड थोड़ा सा नमक। तो इसे हम 3 से 4 सीटी लगाकर अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक ब्लेंडिंग जार, इसमें हम ऐड करेंगे अदरक, ये 1 इंच के करीब अदरक है, 2 से 3 हरी मिर्च ले लीजिएगा तीखा के हिसाब से, साथ ही ऐड करेंगे 1 टमाटर। तो पेस्ट यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ ये देखिए काला चना भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच के करीब काले चने को साइड में कर रही हूँ, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए इसमें ऐड करेंगे तेजपत्ता, छोटा साइज एक दालचीनी की ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब जीरा चटक जाए इसमें हम ऐड करेंगे ये पेस्ट। गैस की फ्लेम को लो करके हम इसे चला लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जब तक ये पेस्ट कुक हो रहा है दूसरी तरफ चलिए, ये जो हमने काले चने को साइड करके रखा था इसे ऐड कर देते हैं सेम ब्लेंडिंग जार में। साथ ही ऐड करेंगे बस 1 चम्मच के करीब मूंगफली, ये कच्चा मूंगफली है, एंड थोड़ा सा धनिया के पत्ते, 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करके इसे चलिए पीस लाते हैं। दूसरी तरफ चलिए चेक कर लेते हैं मसाले। अब हम इसमें ये काले चने की पेस्ट को ऐड कर देंगे, साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, ये बॉइल किया हुआ काले चने का पानी है। साथ ही कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान से नमक डालेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने काले चने को कुक करते समय भी नमक डाला था। साथ ही आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब हल्दी का पेस्ट। तो ये कच्चा हल्दी जो आता है ना उसे मैंने पेस्ट बना के लिए है, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है इस रेसिपी में। अगर आपके पास कच्चा हल्दी अवेलेबल ना हो तो हल्दी का पाउडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, क्योंकि तीखा के लिए हमने हरी मिर्च डाला था तो थोड़ा कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल की है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। चलिए सारे मसाले को धीमी आंच में हमें अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हमने बढ़िया से भून चुका है। इसी स्टेज पे हम कुक किया हुआ ये काले चने को ऐड कर देते हैं, साथ ही कुछ कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे हम एक धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और ये देखिए हमारी काले चने की सुपर डिलीशियस रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। गैस को मैं यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ, साथ ही ऊपर से डाल देंगे कुछ धनिया के पत्ते। बहुत ही इजी टेस्टी रेसिपी है, आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ अदरक के स्लाइसेस एंड एक धनिया के पत्ते के साथ। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।